हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई एम मेहुल और मैं फिलहाल अभी जा रहा हूँ वसी के घर पे। और ये जो हमने कल लिया था, अभी आप समझिएगा किसके लिए है और क्यों है। चश्मा हो मेरे, हाँ। तो बस अभी ऑन द वे वो आज ऑटो ले लिया क्योंकि बारिश हो गई थी, सीन बहुत ज़्यादा ही था। अगर आई डेंट वॉन्ट टू टेक अ चांस इन द बाइक और द कार, तो मतलब आराम से ऑटो में जाऊँगा बैठ के। तो यू नो, कोई तकलीफ नहीं, पार्किंग की भी कोई झंझट नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली चाहता आप लोगों को वसी के घर पर मिलूँगा। I am eating in the name of Allah and with the blessings of Allah. Bismillah. Next word. Thank you. मिल लगाया तो. हाँ. तो आपको कैसा लगा अरेंज मिल गए? नन्ही सी जान, इतना बड़ा ट्राइपॉड, इतना बड़ा कैमरा, सबसे बड़ा तो माइक है. करना पड़ता है. दो तीन किलो का तो सेटअप लेके घूम रहा है तू. करना पड़ता है. हमको देखो. मेरा पिछला वाला माइक खराब हो गया और ये तो इसकी तूने स्टोरी सुनेगा ना तो परेशान हो जाएगा, मार ही देगा मेरे को इधर. ये सब चक्कर के वजह से ना मैंने कैमरा यूज़ करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ, मैं जितनी बार ब्लॉक करता हूँ ना, वो माइक का वो हिल गया, आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हुआ। मैंने ये माइक ना पहले दिन पे हाँ पानी में डुबा दिया। अभी मैं एक्चुअली ये GoPro से ब्लॉक करता हूँ जिसमें वो मीडिया मोड लगे, ठीक है, उसके माइक से बहुत अच्छी कवर होती है, कैप्चर होती है। हाँ। पर उसका यही पंगा है कि लो लाइट में थोड़ा सा वो हो जाता है, वो खराब होती है। तो अभी हम लोग नया घर ढूंढ रहे, ठीक है, तो हम लोग नए घर में जैसे शिफ्ट होंगे तो GoPro से तो लगता है ये जो है करने देगा इतना। ये ले सादा माइक रख, ये इतना रफ एंड टफ है ना, मैं ऐसा फेंकता हूँ कैमरा कसम से बोल, और तेरी क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है ना। वो पहले GoPro से चेक कर दो, हाँ नहीं हुआ तो फिर मेरा ले लेना किसी दिन ट्राई करने, हाँ फिर वो कर लूंगा मैं। हाँ तो एरिन से कैसे मिलके आपको लगा? अरे एरिन से मिलके तो मजा है, इतना क्यूट। मतलब मेरे को ज्यादा कुछ रिवील करना नहीं उसके बारे में, जब वसीम करेगा तब। बट रियल क्या बोल दे, पक्का बोल दे भाई। भाई इतना क्यूट है, इतना मतलब मैंने ना बहुत साल से वैसे इतने छोटे बेबी को भी हाथ में नहीं पकड़ा था, एंड सब जब उसको पकड़ा हाथ में मेरे को फील हुआ, मतलब मस्ती तो उसकी अभी से इतनी चालू हो गई ना, सेम मस्ती में भाई साहब। मस्ती नहीं कर रहा था वो एक्चुअली, इसने मेहुल का निप्पल देख लिया ये वाला। तो वो गायन हो गया क्या? गायन हो गया, फैट फैट है, जो मैंने उस रात को पीते पीते रह गया, डाइट चालू हो गया मजेदार। मैं वो पिछले दिन से घुटने का रहा। हाँ। नेक्स्ट पैक कौन सी ले रहा है? एरिन क्या बोल रहा है? रुका मैं बुला रहा था हूँ। कावासाकी? ओह माय गॉड, मैं बाप मैं तो मुझे पता है वो क्या बोल रहा है। वो बोला कावासाकी ZX10R। अच्छा ठीक है, उसका हिंट है ना एरिन के कपड़ों में। मेरा बेटा क्या कपड़ा पहना मेरे को नहीं मालूम। लो नहीं नहीं जो मैं लाया हूँ। अरे हाँ एरिन का गिफ्ट तो उसको दिया ही नहीं हमने, फिर नहीं हम लोग गिफ्ट देके करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। भाई ने आ गए वापस अंदर, अंदर थोड़ा अंदर, हाँ हमारे वाले में तो उनको भाई साहब ने लाया है ये इतना बड़ा। अरे इस पे लिखना भूल गया तू, वो था ही नहीं कभी। पाउडर है, शैम्पू है, शैम्पू तो अभी यूज नहीं होता है, बेबी ऑयल है, बेबी क्रीम, और ये क्या बे क्लॉथ है इस पे। शैम्पू पता है अभी क्यों नहीं यूज होगा, बाद में यूज होगा, हेलमेट लेगा ना तो हेलमेट साफ करने के लिए बहुत बेस्ट शैम्पू है पैडिंग। तो ये इसने शैम्पू मेरे को दिया है, ले सकता है पर बाद में उसको एक लेके दे देना मेरी तरफ। अच्छा उसको वॉश कर, अपना फोम वॉश करने के लिए
हेलमेट का पैडिंग होता है ना, और जैकेट का इनर्स वगैरह साफ करना होता है, एकदम माइल्ड शैम्पू चाहिए होता है, ये बेस्ट है, कुछ नहीं अगर पैडिंग। थैंक यू। अरे नहीं नहीं, ऊपर भी है, बेबी सोप है, कंगा है और वाइप वाइप्स है, तो थैंक यू फॉर द वाइप्स, ये वाइप सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है अभी, और सबसे इंपॉर्टेंट वाइप्स ही है ना, मैंने सुना है। हां हाँ। अभी तो नया चालू है ना वाटर वाइप्स का, इसने बोला वाटर वाइप्स है, वाटर वाइप्स है, ठीक है मैं बोला ऑर्डर कर लेता हूँ ना, आया 3 का सेट मंगाया, आया इतना वजन चीज क्या मंगा लिया इसने, मतलब वो भी बच्चे का, और निकाला तो वाइप था, मैं बोला वाइप इतना, बोलते वाटर वाइप है ना हैवी रहता है, अच्छा वाटर वाइप अलग होता है, वेट वाइप अलग होता है, ये वाइप अलग होता है, वाटर वाइप मतलब पूरा पानी होता है उसमें, हाँ पूरा पानी वाला होता है, अपने को पता ही नहीं ये सब चीज, अभी एक्सपीरियंस कर लो, वो तो कर रहा, तू भी देख ले, अभी इसको जरा साइड रखते है, हमारी जरा कॉन्वर्सेशन चालू रहेगी अभी। हाँ ऐसे मैं बाइक लेने का सोच रहा हूँ, एक बाइक दिखाता हूँ तेरे को, अच्छा। आज ही लॉन्च हुई है, गाली देगा मेरे को पर ठीक है। ये क्या हो गया रे, ये सांप कर, अभी तक तो सही था, कुछ है तेरे पास? हाँ हाँ, कॉन्वर्सेशन फिर चालू करने से पहले लगा देते हैं। हाँ एक्चुअली ना यही होता है बारिश में, अंदर बार करता हूँ ना, पर मैंने लेंस में देखा है मॉइस्ट जमते हुए, पर अंदर में पहली बार देखा, इसने जैसे खोला ना वो मॉइस्ट चले गया, अब चला गया। अच्छा तो अभी मैं जो बाइक सोच रहा हूँ, आज ही लॉन्च हुई है, ठीक है, जस्ट छोटी सी बाइक है, मुझे सिर्फ सिटी, ऐसा सिटी के लिए ही चाहिए, मेरे को बाहर नहीं जाना है राइड पे, वो राइड पे नहीं जाना है, मेरे को अच्छी लगी है ये वाली, रुक जा भाई दिखा देता हूँ, सॉरी नॉट अप्रूव्ड, ठीक है मेरे को लगा ही था, सॉरी नॉट अप्रूव्ड, ये होंडा सीवी 200 एक्स, नाम का एक्स है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस मेरे को आगे मेरे को वही प्रॉब्लम है, आगे फेयरिंग लगा दिया है हॉर्नेट के ऊपर, ठीक है मैं हॉर्नेट वैसे भी लेने की सोच रहा था वो टाइम, नहीं मेरे को सिर्फ वही प्रॉब्लम है इससे, क्या कितने की है, डेढ़ लाख नहीं, FZ25 ले ले, हल्की है, आगे और क्या रीजन है, ये भी अच्छी चलती, टॉर्की है, देख तेरे को भी मालूम है, मेरे को मालूम है, जब तक 10 पर मतलब बोलते ना 20-30% का पावर का फर्क नहीं रहता उतना मालूम नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कलर वो बीच में वो इतनी स्टिफ भी नहीं, इतनी लाइट भी, इतनी सॉफ्ट नहीं है, वही है अपना क्या बोलते हैं उसको, अपसाइड डाउन वाला है, मेरा वाला नॉर्मल है, और सबसे नया मेरे को एक सबसे चीज अच्छी चीज होंडा है, मैं जब बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, कितनी अच्छी है, मतलब क्यों मना कर रहा हूं, इसका अपसाइड डाउन सस्पेंशन है ना, ये सेगमेंट में, ये साइज में, और ये एप्लीकेशन में कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्यों इसमें तेरे प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि ये उल्टा है, जब मट्टी वट्टी में चलेगा, खड्डों वड्डों में जाएगा, इसका सारा उड़ेगा, और तेरे पास मेंटेन करने का टाइम नहीं है, इसको अरे है ना, स्पेशली बैठ के सस्पेंशन क्लीन करने का टाइम है, अभी इतनी छोटी बाइक में मैं ये सब करने बैठूंगा तो क्या, एग्जैक्टली इसके लिए अपसाइड डाउन नहीं देना होता छोटी बाइक में, इसके लिए होंडा इतनी सर्विसेज रखा है कि कहीं भी जाके आप करा सकते हो भी अफोर्डेबल प्राइस में, आई एम नॉट मतलब स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, फिर भी स्पॉन्सर्ड नहीं, हम बस डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन, बिकॉज अगर आप सुपर बाइक भी लोगे होंडा की तो आपको कभी तकलीफ नहीं होती है, वो छोटी बाइक रिलायबल बहुत है, कभी नहीं होती है, साल दो साल तो मुंह देखना भी नहीं पड़ता है, मेरा प्रॉब्लम आपकी, अगर मैं बोल मैं अभी खत्म नहीं किया, CVR चली रहेगी अपने 250, मेरे फ्रेंड ने चलाया 6-8 साल तक, उसको कोई तकलीफ नहीं है, बहुत टाइम बाद उसको जाके ऐसा हुआ कि कुछ चेंजेस करनी पड़े बाइक में, वो कौन सेट अपने घर निकलता हूँ, वसीम भी अपने काम करने जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, तो भाई ऑल द बेस्ट काम के लिए, थैंक यू सो मच, और मैं निकलता हूँ, ऐसे ही मिलते रहना, पर मैं ले रहा हूँ, मैं भी मान गया, ले डाल, मस्त चीज है, अपन इसके यूज के लिए अच्छी चीज है, मैं भी मान गया, क्योंकि वो सेगमेंट कुछ है ही नहीं, बाकी कुछ है ही नहीं, तो चलते और मेरे को फोन करते रहे कुछ रहेगा तो बोला, ऐसा नहीं कि तू बोलेगा मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अपने में टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, देख भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दोस्ती में कभी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये मेरे दुश्मन के साथ भी रहेगा ना तो भी मेरा दोस्त ही रहेगा, क्योंकि एक बार किसी ने दोस्ती कर ली किसी से तो कितने भी झगड़े हो जाए, एक बार जब गले मिल लोगे ना तो यार सारे गिले शिकवे दूर हो जाते,
उसको दोस्ती बोलते हैं। अगर जो चीज़ तुमको ये चीज़ नहीं करके दे रही है ना, उसे मतलब की दोस्ती हो, उससे तुमको सिर्फ और सिर्फ काम है, क्योंकि कंडीशन जहाँ आता है वहाँ सिर्फ काम निकलता है, लोगों का दोस्ती नहीं होती। करेक्ट, यही ज़िंदगी का उसूल है। आप आज की तारीख में अगर बोलो, अगर मेरा मेहुल का या तो मेरा शर्जील का या तो उबैद भाई से हम लोग का झगड़ा भी होता है, तो हम लोग एक बार एक सामने एक बार एक दूसरे को देख लेंगे ना, मुँह से हंसी निकल जाएगी हम लोग की, हम लोग की बात चालू हो जाएगी, इतना हम लोग का भरोसा। उसको बोलते हैं वो कनेक्शन होता है दोस्ती का, वो उसको कहते हैं दोस्ती। अगर मैं समझ लो, मैं कॉल करके ये बोल रहा हूँ कि मेहुल सुनना एक काम है, तो ये थोड़ा वो झलक जाता है कि तुमको कुछ काम है, इससे काम ही रहता है हमेशा। जब अगर मैं बोलूँगा मेहुल जल्दी आ, अपने को जाना है, वो बात अलग होती है, ये अलग बात है, हद दुख है रे, यही होता है। तो ये चीज़ में बहुत फ़र्क होता है, ये चीज़ों में समझो उसको। तो ये सब हो गया, अभी मेरे को सैड कर दिया यार, मैं छोड़, मेरा मूड ख़राब हो गया है, ये सब चीज़ों में वो बात नहीं करने के रहती, बट निकल जाती है बातें कभी कभी। बाय बाय एरिन, बाय। वो दूसरे हाथ से खुद बाय बाय कर रहा है, दोनों हाथ से करता हूँ, मल्टी टैलेंटेड हमारा बच्चा, हाथ ऊपर रहता है, और उसका हाथ है ना, उसका हाथ ऐसे रहता है हमेशा बाइक चलाने के लिए। हाँ, वो रेडी है, रेडी है, वो एक ऐसा और एक ऐसा रहता है पंच मारने के लिए, दोनों चीज के लिए एकदम एकदम तैयार है। और अभी हम लोग तो है ही, चलेगा साथ में। तो अभी मेरा घर जाने का टाइम आ गया, हम हमारे वसीम भाई उनके अलग काम के लिए चल रहे हैं, और तो अंदर ही बता दिया तुमने, हाँ जो भी है तो देख, ख्याल रख, और सबसे पहले ये कम कर। हाँ, अरे यार अभी तूने एग्जांपल देता तेरे को सबसे, हाँ। डेडिकेशन अभी आज की तारीख में जो दिखा रहा है वो है टेक्निकल गुरुजी, हाँ। टेक्निकल गुरुजी से इंस्पायर्ड होके, हाँ। थोड़ा सा आप भी फैट लॉस कर लो, उसके बाइसेप देख ले आज की तारीख में कितने बड़े हो गए थे, क्या फिट हो गया बंदा, हाँ। एक पोस्ट देखा आज का है मैंने, ऐसा टायर पे बैठे करके जबरदस्त दिख रहे, देखा मैंने उनके इंस्टाग्राम पे। तो तुम कब करोगे? बस अभी चालू ही है, बस चालू नहीं होता है, साइड में आ जाओ। अभी मैं ज्ञान तुझे इसके लिए पहल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने भी डाइट चालू कर दिया, तो मेरे को भी चालू कर देना, 6 महीना जो भी है उसके बाद रिजल्ट देख लेना, तू शायद इंस्पायर्ड हो जाएगा मेरे से। नहीं, अभी चालू करता हूँ ना, मैं अभी इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है, पर मैं डाइट खाली मेंटेन नहीं कर पाता, मेरी प्रॉब्लम वही है। चलो चल, बाय बाय, टेक केयर। तो मैं वसीम के घर से तो वापस आ गया था शाम में, बट उसके बाद मेरे को ना और एक काम निपटाने जाना पड़ा, मतलब वो थोड़ा अर्जेंट हो गया था, तो वो वाला पार्ट है ना मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि आज का ब्लॉग मेरे ख्याल में ऑलरेडी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो विद दिस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड पुट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।